आज हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो शायद आप में से बहुत सारे दोस्तों के माइंड में चल रहा होगा, तो मैंने सोचा इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एफसीएल का 13वां एपिसोड आज मार्केट ओपन होने से पहले आ चुका है और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको उसे भी जाकर देखना है। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि अब आप सबको पता है होगा वही जो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एफसीएल की डेली कैंडल देखते हैं। आज एफसीएल के अंदर 3.76% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों हमें डेली कैंडल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इसके इंटरनल से फर्क पड़ना चाहिए। तो एक बार दोस्तों हम इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करो, इतनी मोहब्बत है आपसे कि एक दिन में दूसरा एपिसोड आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो अगर दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप में से यहाँ पर शायद किसने ध्यान दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, एफसीएल के अंदर सारा का सारा काम 9:15 बजे ही निपट गया था। ये 9:15 बजे की दोस्तों कैंडल है और अगर इसके लो में मैं एक लाइन लगा देता हूँ तो हम यहाँ पर देखेंगे एफसीएल के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। और एफसीएल दोस्तों 9:15 बजे के बाद पूरा दिन साइडवेज था और जो गिरावट दोस्तों 80 के लेवलों से शुरू हुई है वो यहाँ पर दोस्तों खत्म हो सकती है। लेकिन मुझे दोस्तों ये नहीं लगता यहाँ से जो चाल शुरू होगी उससे ये हाई कटने वाला है और अभी के लिए दोस्तों मैं उसको बाउंस से लेकर चलूंगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ मूविंग पार्ट्स हैं तो उसको आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो एफसीएल के अंदर दोस्तों जो लेग 280 से शुरू हुई है वो यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकती है और अगर दोस्तों ये लो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाते हैं तो एक बार एफसीएल 245 से 248 के लेवलों में आ सकता है, इतना स्पेस है इसके पास आने के लिए। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक ऊपर का बाउंस आएगा और अभी के लिए दोस्तों मैं से फाइनल लो लेकर चल रहा हूँ। तो एक बार दोस्तों हम इसमें रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, लेकिन अगर दोस्तों ये लो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो आपको ऐसी रिट्रेसमेंट लगानी है और इसके अंदर दोस्तों एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, आपको इस ट्रेंड लाइन को भी लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जितने भी लेवल दिख रहे हैं ये सारे लेवल एफसीएल के लिए फंसने की एरिया है। और यहाँ पर मेजर फंसने की एरिया कौन सी है, जो मेजर एरिया है दोस्तों वो है 263 का लेवल अभी के लिए 38% की एरिया और उसी के पास में दोस्तों ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है तो एफसीएल एक बार 61% के एरिया तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में मुझे संभावनाएं लग रही है एक बार इस बाउंस के बाद एफसीएल वापस से नीचे मारेगा और इस बार दोस्तों इसके गिरने की स्पीड थोड़ी तेज होगी। तो अभी दोस्तों बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि यहां से एफसीएल में 12 से 15 दिन या फिर 1 महीने की प्राइस वाइज के साथ साथ टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी चाल आ गई है। मौका हमें मिलेगा लेकिन अभी हमें उसका इंतजार करना है और साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। अगर मुझे लाइव मार्केट के अंदर लगेगा इसमें खेल घूम रहा है तो उसका आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबको जाकर ज्वाइन करना है लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है।